इन दिनों उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बीच अब उत्तराखंड पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक प्रदेश में आगामी 11 जनवरी तक तापमान बढ़ने के आसार हैं। मैदानी इलाकों के साथ साथ पर्वतीय इलाकों में भी ठंड का प्रकोप कम होने जा रहा है। हालांकि विक्रम सिंह ने यह भी बताया कि आगामी 12 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जहां 12 जनवरी से अगले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में मध्य स्तर की बारिश होगी, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के लिए अगर मौसम की बात करें तो आज आपकी जो है 6 तारीख हो गई है जनवरी की, तो आज से आगे आप देखेंगे जो 4 से 5 दिन का समय है, करीब 10 तारीख तक या 11 तारीख तक कह लीजिए, तो जो तापमान है वो बढ़ने वाले हैं। वेदर की कोई एक्टिविटी विशेष कुछ भी नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में जो कोहरा है उधम सिंह नगर या हरिद्वार में, तो वो कोहरा भी समाप्त होगा और कल से आप देखेंगे आज से ही बल्कि जो है तापमान बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो वहां पे जो दिन के समय खासकर जो शीत दिवस वाली स्थिति बनी हुई थी, कभी 4-5 दिन भी 6 दिन भी कल बात कर सकते हैं पीछे थी ऐसी स्थिति, तो अब उसमें जो है ये कोहरा चला जाएगा, दिन के तापमान ठीक हो जाएंगे, सामान्य से ऊपर ही आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं 4 से 5 दिन की बात करूं 10-11 तारीख तक, तो जो है तो आप ये कह सकते हैं जो मैदानी क्षेत्र है उसमें हमारे जो तापमान है दिन के वो करीब 25-26 के आसपास वो आ जाएंगे, और इसी तरह पहाड़ों में देखेंगे तो वहां भी एक करीब 18 से 20 के बीच में आने वाला है। तो जो टेम्परेचर अभी तक काफी कम चल रहे थे, सामान्य थे या सामान्य से नीचे थे कई जगहों पे, तो वो स्थिति अभी जो है अब 3-4 दिन आप देखेंगे काफी उसमें परिवर्तन है, तो तापमान बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो 8, 9, 10 में हमारे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़, तो उनकी हाई रिचेज में छुटपुट एक्टिविटी हल्की बहुत हल्की बारिश बर्फबारी की कहीं कहीं पर होगी, हाई रिचेज में होगी, क्योंकि जो तापमान बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो थोड़े बहुत लोकल डेवलपमेंट जो होंगे तो अंदर अंदर वो थोड़ा बहुत होगा। लेकिन जब आप 12 तारीख में जाएंगे तो एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो 12 तारीख में जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसका प्रभाव जो है उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों में दिखने को मिलेगा, हल्की से मध्यम बारिश, मतलब अभी अगर आज की बात करें इस तरह का इंडिकेशन अच्छा है, तो उसकी संभावना काफी अच्छी है कि मिलना चाहिए। हालांकि जो हमारा प्लेन्स वाले खासकर जो कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, लोअर कुमाऊं रीजन की, तो वहां तो ज्यादातर नहीं दिख रहा है, लेकिन और उत्तराखंड में हल्की मध्यम बारिश बर्फबारी वो मिलनी चाहिए। तो 12 के आसपास एक सिस्टम आ रहा है, तो उसमें उम्मीद है कि कुछ एक्टिविटी मिलेगी, लेकिन उससे पहले कोई सिग्निफिकेंट रेन या स्नो की एक्टिविटी नहीं है, जिसे मैंने तापमान के लिए बोला बढ़ेंगे और कोहरा वगैरह खत्म हो जाएगा।